कितने के बावजूद हाँ दिवाली जी, जिस तरीके का पैटर्न है, जिस तरीके का इसका पैटर्न है, जिस तरीके का ब्रेकआउट है, नो डाउट एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 1325 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दिवाली, जहां पे मैंने आइडेंटिफाई करा था वहां से 20% बढ़, 20 रुपए बढ़ चुका है। थोड़े से रिवाइज करूंगा टारगेट को, पहला टारगेट 1425 रुपए, दूसरा टारगेट 1475 रुपए। डीवीज लैब एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है, खरीद के चले डीवीज को। तो डिवीज लैब इन स्तरों पर भी खरीदा जा सकता है, 11.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। इक्विटास, इस पर सिमी एक राय दीजिए, 5.5% लुढ़क गया आज वापस से, नीचे की तरफ लेवल्स बताइए और कहां तक जा सकता है इक्विटास। दीपाली, अभी मुझे तो लगता है कि वीकनेस तो अभी जब दिख रहा है तो बहुत जल्दी खरीदारी करने का सलाह तो नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी और इंतजार करना पड़ेगा और इसको इस ऐसा स्टॉक को सेटल करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह से पीट गया है और मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। कल का मतलब फ्राइडे का करेक्शन के बाद आज ही एक्सटेंड कर रहा है करेक्शन, तो बहुत जल्दी खरीदारी करने का सलाह नहीं होगा जब तक ये स्टॉक 75-74 के नीचे, नॉट 75-80, 95-94 के नीचे रहेगा तब तक ये जो लो बनाया था फ्राइडे को, उस लो तक आने का इसमें कोशिश रहेगा। रहा सवाल एक पुलबैक की, तो पुलबैक के लिए मुझे 100 के ऊपर का लेवल देखना पड़ेगा। 100 के ऊपर ये जाके अगर कॉन्फिडेंटली मेंटेन करता है, एटलीस्ट 15-20 मिनट मेंटेन करता है, तो ही इसमें पुलबैक देने का उम्मीद है, देखने का उम्मीद है। नहीं तो मुझे लगता है कि 94-95 के नीचे ये वापस से वीक ही हो जाएगा। तो ये रहा है इक्विटास पर, जो अब 5.5%, इनफैक्ट अब 7% ये स्टॉक लुढ़क चुका है, भारी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। एक रहा है इनफैक्ट आप हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स देखेंगे तो वो धीरे धीरे काफी कमजोरी दिखा रहे हैं। रेपको होम फाइनेंस कमजोर है, कैनफिन होम्स में बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है, ग्रू फाइनेंस जिसके नतीजे आने, ये स्टॉक भी कमजोरी की तरफ कर रहा है कारोबार। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो स्टॉक्स हैं जो कि वीकनेस दिखा रहे हैं, 2-2% ये स्टॉक भी फिसल चुके हैं। और आईसीआईसीआई बैंक अब 5% के उछाल के साथ 332 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए। राकेश जी, कुणाल जी फुल एक्शन में है, एक बीटीएसटी देने के बाद अब चार्ट कॉर्नर आ रहा है, तो जान लेते हैं पहले चार्ट कॉर्नर कौन सा है, तो रुक करते हैं चार्ट कॉर्नर का। बताइए दीपाली जी, आज एक्शन जरूरी है क्योंकि अनिल जी मुंबई में है, वो बोलेंगे मैं वहां बैठा हूँ काम नहीं कर रहे। तो हमारा बाय कॉल है दीपाली जी आईसीआईसीआई बैंक पर, और इसको आप देखें तो 312-13 रुपए से मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं, और कुणाल जी ने यहां पर एक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट पैटर्न शेयर करा था डायमंड, और स्टॉक ने बिल्कुल भी किसी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा, और हम वेट कर रहे थे ये स्टॉक 330 के ऊपर निकल के सस्टेन करे, सस्टेन कर रहा है, एक नई तेजी का कैंडिडेट है। और हमने इस बाजार के अंदर देखा है कि जहां पर मेजर ब्रेकआउट्स ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं वहां बड़ा मूव देखने को मिलता है, आईसीआईसीआई बैंक एक परफेक्ट कैंडिडेट है, यह बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है, इसको खरीद के चलें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए यहां पर एक क्लियर केस है शॉर्ट्स के ट्रैप हो जाने का, यानी कि कल काफी यानी कि शुक्रवार को बड़े पैमाने पर इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ, लेकिन आज जिस तरह गैप अप ओपनिंग हुई है और लोग इसमें ट्रैप हो गए हैं, शॉर्ट कवरी की बदौलत ही मुझे लगता है कि 345-346 के लेवल्स छू सकता है, तो इन स्तरों पर डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक को बाय करना चाहिए। 324 रुपए पर रखें स्टॉप लॉस, पहला लक्ष्य होगा 326.50 रुपए का, और दूसरा लक्ष्य है 343 रुपए। तो आईसीआईसीआई बैंक चार्ट कॉर्नर में खरीदारी का व्यू है, 19 रुपए ऊपर यह स्टॉक है, लेकिन यहां से भी और दमदार तेजी दिखा सकता है। लेकिन एक स्टॉक जो कराएगा आपकी 2000 की कमाई, अब वो जान लेते हैं और सीधे रुक करते हैं आज के 2000 का। बताइए अनिल जी कौन सा स्टॉक है। शायद थोड़ा सा लेट हो सकता हूं लेकिन फिर भी देना तो है। 96 रुपए दाम है फ्यूचर्स का स्टॉक है ग्रेन्यूल्स, यहां पर खरीदारी करने की राय है मेरी, और ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करने की 2-3 बड़ी वजह हैं। पहला तो ये कि आज नतीजे आने वाले हैं और संभावना पूरी है कि नतीजे मजबूती के साथ अच्छे नतीजे ये कंपनी पेश करे, तो एक वो रीजन है। दूसरा रीजन है वायदा कारोबार में अच्छी पोजीशंस बन रही है, रिजल्ट्स के पहले लगभग 5% 4% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिख रहा है, 5,85,000 शेयरों का
और एक अभी भी शायद आप बता रही थी कुछ खबर भी ग्रेन्यूल्स में आई है, वो खबर भी पॉजिटिव साइड पर है, तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो ग्रेन्यूल्स में मुझे लगता है कि यहां से मजबूती बना सकती है। और चौथी चीज में जोड़ना हो तो मेरे ख्याल से कुणाल जी और राकेश जी का काफी पसंदीदा स्टॉक भी है, तो ज्यादा बेहतर लेवल वो भी बता भी सकते हैं कि क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रखने चाहिए 2000 के, जो लोग 2000 के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए, तो एक बार जरा उनसे लेवल्स ले लें। लेकिन मुझे लगता है आज के 2000 के लिए ग्रेन्यूल्स हो सकता है, रिस्क एक ही है और वो है नतीजों की, और नतीजों के लिहाज से फिर ऐसे में एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है जो भी कुणाल जी बताते हैं। और दूसरा ये कि जहां जहां आपका 2000 बनता जाए लेते जाएं, या फिर अपना कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर ले ताकि नुकसान ना हो, क्योंकि बाजार थोड़े वोलेटाइल रहते तो थोड़ा सावधानी रखने में हर्ज नहीं है, लेकिन ग्रेन्यूल्स मुझे लगता है आपको पैसा बनाकर दे सकता है। जी तो ग्रेन्यूल्स है आज के 2000 का स्टॉक, एक बार लेवल्स कुणाल जी आप ही बता दीजिए। देखिए जो टारगेट है वो 9850 होना चाहिए, मुझे लगता है 9850 तक की इसमें डेफिनेटली एक मोमेंटम बन सकता है, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 9850 पार होगा तो इसमें 104 रुपए के लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो 93.50 रुपए पर रखना, ठीक है 93.50 रुपए पर रखिए स्टॉप लॉस। खरीदारी का यही व्यू है और दिन के ऊपरी स्तर पर ऑलरेडी कर रहा है कारोबार।